हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 20th शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सूरत विभाजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत विभाजन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो ग्रुप्स में बट जाना सूरत विभाजन कहलाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, वहीं दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय था। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स जो है, यह अनुरोध, प्रार्थना पत्र इत्यादि से अपनी डिमांड्स पूरी करवाते थे ब्रिटिशर सरकार से, और ये जो है ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे। और यह साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते थे इंडियंस की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ाने के लिए। और एक्सट्रीमिस्ट इंडिपेंडेंस और स्वराज चाहते थे, यह अपनी सरकार चाहते थे अपने लोगों की, और यह अनुरोध इत्यादि में विश्वास नहीं रखते थे, यह विरोध और प्रदर्शन करते थे। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के मत खुलकर सामने आए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय, जहां एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे बंगाल एवं देश के अन्य भागों में फैलाना चाहते थे, साथ ही विदेशी कपड़ों, शराब, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि को भी सम्मिलित करना चाहते थे, जबकि मॉडरेट्स आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। और स्वदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार के ही पक्ष में थे, और इनका मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से हो। इस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया, जिससे कुछ समय के लिए जो है कांग्रेस का विभाजन टल गया। दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में एक्सट्रीमिस्ट की लोकप्रियता के कारण मॉडरेट्स का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वहीं मॉडरेट्स डॉक्टर रास बिहारी घोष को, और अंत में जो है दादा भाई नौरोजी को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया, तथा स्वदेशी और बहिष्कार के समर्थन में भी प्रस्ताव पारित किया गया। और साथ ही पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिससे बाद में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जंग छिड़ गई। दिसंबर 1907 का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में ही आयोजित किया जाए, तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाए, और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। और दूसरी ओर मॉडरेट्स ने अधिवेशन को नागपुर से बदलकर सूरत में रख दिया, तथा रास बिहारी घोष को वह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को भी वापस लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय उदारवादियों मॉडरेट्स का वर्चस्व था, जिस कारण 1907 का अधिवेशन सूरत में ही किया गया तथा रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। और इसी अधिवेशन में मार पिटाई भी हो गई थी, जिस कारण कांग्रेस का विभाजन सुनिश्चित हो गया। साथ ही मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को खुद से अलग कर दिया और उन्हें जो है कांग्रेस का हिस्सा मानने से मना कर दिया। परंतु मॉडरेट्स को यह समझ नहीं आया कि अंग्रेजों द्वारा उनकी मांगे एक्सट्रीमिस्ट के कारण पूरी होती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि एक्सट्रीमिस्ट कुछ रेडिकल कदम उठा सकती है। और दूसरी ओर एक्सट्रीमिस्ट को भी यह समझ नहीं आया कि उनके तौर तरीकों के बावजूद भी उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मॉडरेट्स के कारण मिली थी। सूरत विभाजन के पश्चात ब्रिटिश सरकार को विभाजन का बहुत फायदा हुआ।
ब्रिटिश सरकार ने ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को जेल में डाल दिया, उन्हें टॉर्चर किया गया क्योंकि उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया था। सरकार द्वारा सरकार विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ एक्ट 1908, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। बाल गंगाधर तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 6 वर्षों के लिए देश से निकाल दिया गया और उन्हें जो है मांडल्य जेल बर्मा भेजा गया। उसी समय विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ठंडा पड़ गया और इस विभाजन का जो है बुरा प्रभाव पड़ा था राष्ट्रीय आंदोलनों पर। दिसंबर 1905 में बनारस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतभेद खुलकर सामने आए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के। सूरत सेशन 1907 का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया, मॉडरेट्स की तरफ से और एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल के द्वारा नेतृत्व किया गया। सूरत विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फिरोज शाह मेहता जो मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, उन्हें द लॉयन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। 1907 का कांग्रेस का सेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। 1885 से 1905 तक का समय मॉडरेट फेज कहलाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।